सना सबसे पहले तो ये जानना चाहेंगे, आप बहुत अच्छा खेली, फिल्थी गेम नहीं खेली आपने, बहुत स्टैंडर्ड अपना मेंटेन रखा आपने, बट आखिरी में जो बॉडी शेम किया गया था आपने उस चीज को बराबर जवाब नहीं दिया। कहीं ना कहीं आपके फैंस और ऑडियंस को यही है कि अगर आप अपने लिए प्रॉपर स्टैंड लेकर लड़ती तो शायद से एक अलग और सना देखने मिलती लोगों को। व्हाट यू हैव टू से अबाउट दैट? बट मैम मुझे लगता है कि मैंने पूरी तरीके से स्टैंड लिया। इनफैक्ट पूरे एक महीने की जर्नी में अगर आप तवज्जो देकर देखेंगे, मैंने कभी भी इतना फायर वे में आंसर नहीं किया, बट वहाँ पर मैंने किया। मैंने उनको बोला कि आप किसी को बॉडी शेम नहीं कर सकते। अरमान जी को थुलथुला बोला गया था, तब सबसे पहले मैं उनके पास गई थी बोलने के लिए कि उन्होंने आपके साथ गलत किया। और उन्होंने एक चीज़ मुझे बोली थी कि पर्सनल में कभी भी मैं कभी भी किसी को डेरोगेटरी या बॉडी शेम वाले रिमार्क्स पास नहीं करता। जैसे उन्होंने मुझे बॉडी शेम वाले रिमार्क पास किया, मैं गई, मैंने स्टैंड लिया, मैंने उनको विलन ऑफ द हाउस का थप्पा दिया और मैंने उनको बोला कि आपने जो किया बहुत घटिया तरीन चीज की, मैं बोल कर आई हूं, टैग देकर आई हूं उनको हक से विलन ऑफ द हाउस का। उसके बाद इनफैक्ट मुझे तो फ्रेंड्स ये बोल रहे हैं मेरे कि ये तेरा रूप हमने कभी नहीं देखा था कि तू इतना कैसे फायर हो गया। आई सेड ऑफ कोर्स यू कांट बॉडी शेम अ गर्ल। एक लड़की की हाइट पे, वेट पे, कॉम्प्लेक्शन पे किसी को भी हक नहीं कि कोई किसी के बारे में इस तरीके की घटिया तरीन बातें करे, क्योंकि उससे दिखाई देता है कि उनकी तरबियत क्या है। एंड वो मैंने जो स्टैंड भी लिया था मेरे खुद के लिए नहीं लिया था, वो हर उस लड़की के लिए लिया था जिसको इनसिक्योर फील कराया जाता है उसकी कम हाइट या उसकी शक्ल को लेकर। लेकिन आपको नहीं लगता कि अगर आप पहले से ही थोड़ी एरोगेंटली यू नो आपका रखती बिहेवियर रखती तो आज वो आपको इतनी बड़ी बात बोलकर नहीं जाते? आपने बहुत सॉफ्ट रखा अपने आप को, भले ही उन्होंने कोई भी लड़की को या लड़के को घर में कुछ भी बोला, आपने कभी भी लोगों के बीच में आके फाइट नहीं किया। बट ये जानना चाहूंगी कि अगर आप लोगों के लिए बोलना शुरू करती तो आपके लिए आज इतनी बड़ी बात नहीं होती? मैं इस चीज़ में आपकी बात से बिल्कुल भी इत्तेफाक नहीं रखती मैम, क्योंकि इसकी वजह यह है कि कभी भी जब भी उनके किसी और के साथ इख्तलाफ हुए, हर इंसान अपने लिए वहाँ पर खड़ा था। तो जब इंसान उसके लिए बोल रहा है तो वहाँ पर मेरा बीच में जाना कोई तुक नहीं बनता। बट जब उन्होंने मुझे भी कई दफ़े उन्होंने कई मरतबे बहुत वाहियात चीज़ें बोली, जैसे शुरू शुरू में मुझे बोला कि मैं फेक हूँ, मेरे उर्दू के लहजे के हवाले से उन्होंने कॉमेंट किया, कई मरतबे उन्होंने चीज़ें मेरे लिए अगली करने की कोशिश की। बट मैं हमेशा इस चीज़ में बिलीव रखती थी कि इंसान की आवाज़ में नहीं उसके अल्फाज में दम होना चाहिए। And I kept that. I didn't really feel the need to raise my voice. I always raised my argument. But this time, जब body shame की बात आई, तब ये matter मुझे थोड़ा सा बड़ा लगा, क्योंकि वहाँ again I repeat, मैंने अपने लिए नहीं, हर उस लड़की के लिए stand लिया जिसको body shame किया जाता है। तो ना, जहाँ हमने देखा है साइकेटन के साथ आपकी bonding, आपकी friendship काफी strong दिखाई दी, but वहीं कहीं ना कहीं सना मकबूल के साथ में उनकी fight भी हमें देखने को मिली। जी। क्या आपको लगता है कि पास्ट में वो दोनों लवी लवी रहे होंगे जिस वजह से इतनी फाइट हो रही है? काफी अच्छी फ्रेंड्स रही हैं आप, साइंस केतन की तो काफी कुछ बातें पता चली होंगी आपको। पहले तो मैं आपको एक कॉम्प्लीमेंट देना चाहूंगी, आला दर्जे की स्क्रिप्ट राइटर बन सकती हो। मतलब आपने टकरार हुई, फिर प्यार हुआ, फिर टकरार हुआ, वो जोन बिठा दिया। नहीं यार, सना मकबूल ने एक्सेप्ट किया कि मैं इनके बारे में काफी जानती हूँ, इनके बिहेवियर के बारे में काफी जानती हूँ, तो कहीं ना कहीं ऑडियंस अपने माइंड के हिसाब से लगा लेते हैं अंदाजा। नहीं, मैं साई की दोस्त थी तो साई ने हमेशा बोला है कि उनको पता थी कि सना मकबूल कौन है, बट उनको वो पर्सनली कभी नहीं जानते थे। तो यहाँ पे ये मैं आपका बबल ऐसे बर्स्ट कर ली हूँ ये बोलकर। बट हैविंग सेड दैट, हाँ, उनका नोक झोंक टॉम एंड जेरी वाला बिहेवियर हमेशा से रहा है, एंड इट्स ओके ना, जब उनकी वाइब आपस में मैच नहीं होती तो नहीं होती। ऐसी मेरी भी बहुत लोगों के साथ मैच नहीं हुई, बट इट इज़ लाइक दैट, इट इज़ व्हाट इट इज़। सना कटारिया के साथ सॉल्व करके आई हो बाहर या नहीं, क्योंकि एंड एंड तक तो कहीं ना कहीं देखा जा रहा था कि आप दोनों में अच्छी चीजें बैठी नहीं रही थी, तो क्या कहना चाहिए? यही बात है कि लव के साथ कभी मैंने बैठने की कोशिश की कभी नहीं की, ना उन्होंने मेरे साथ बैठने की कोशिश की। मैं उनको जानती नहीं हूँ, वो मुझे जानते नहीं है, वो मुझे नॉमिनेट करते थे लिहाजा मैं उनको नॉमिनेट करती थी। ओके, वो मुझे नॉमिनेट करते थे तो मैं उनको नॉमिनेट करती थी। तो लव के साथ मेरी कोई दुश्मनी एज सच नहीं थी, बट ये था कि हाँ, उनके साथ मेरा कोई इक्वेशन भी खास बैठा नहीं, क्योंकि हमने कोशिश भी नहीं की इक्वेशन बिठाने की। Well, शिवानी के साथ ऐसा क्या हो गया कि एंड में निकलते वक्त में आपने उनसे कहा कि जो चाहिए था वो तो हो ही गया, तो क्या हो गया था आप दोनों के बीच? जी, इसका मैं आपको बहुत तफसील से जवाब देना चाहूंगी। एक टास्क हुआ था, एलिमिनेशन टास्क, तो 13 मिनट मुकम्मल करने थे। इसी बीच जो दूसरे कंटेस्टेंट्स थे उनको हमें डिस्ट्रैक्ट करना था,
टास्क था डिस्ट्रैक्ट करने का, अग्रीड, और डिस्ट्रैक्ट करते मुझे कोई मसला नहीं था. लेकिन अगर आप बहुत तवज्जो से वो एपिसोड देखोगे, और कई वो चीज़ें कट भी की गई जो शिवानी और अरमान जी ने मुझे बॉडी शेम, कुछ चीज़ें आई भी है बट कुछ चीज़ें आई भी नहीं है, तो वहाँ पर वो मेरे मुँह के पास आ आके डिस्ट्रैक्ट करना कोई मसला नहीं होता. वो मुझे बॉडी शेम अरमान जी कर रहे थे, शिवानी भी उनका साथ दे रही थी बॉडी शेम करने में, इनकी हील देखो, इनका चेहरा देखो, मेकअप लगा के थोप के घूमती रहती है, ऐसे सारे वो कॉमेंट्स पास कर रहे थे डेरोगेटरी मेरे हवाले से हाइट को लेके. एंड आई विल स्टिल से कि शिवानी दिल की अच्छी है, वो बड़बोली है, वो दिल की अच्छी. कई मर्तबे वो सोबत में होता है ना कि अरमान बोल रहा है तो मैं भी बोलूंगी, वो सोबत में उसने वो किया, और मुझे बुरा इसी बात का भी लगा कि वो मेरी 4 या 5 दिन पहले अच्छी दोस्त बन गई थी, और मैंने उनको ब्रेसलेट एक दिया था डायमंड का, ये बोल के कि अब तू मेरी आला दोस्त है, बड़बोली है पर दिल की अच्छी, तो उसकी मेरी दोस्ती बैठ गई. तो मैं देख रही हूँ इतनी शिद्दत से मुझे डिस्ट्रैक्ट कर रही है, मतलब इतना दिल से चाहती है कि मैं घर से बाहर हो जाऊँ, और डिस्ट्रैक्ट कर भी रही है, प्लस ऐसे कॉमेंट्स पास करिए बॉडी शेम वाले, शायद अनजाने में अरमान जी की सोबत में उसने किया, बट वो मुझे तकलीफ हुई क्योंकि अरमान मलिक मेरे दोस्त नहीं थे, शिवानी को मैं दोस्त मानने लगी थी. तो जिसको मैं दोस्त मानूं वो मेरे पे डेरोगेटरी कमेंट पास करो, पूरी शिद्दत से कोशिश करे कि सना घर से बाहर जाए, तो एज अ ह्यूमन नेचर लाजमी है कि मेरी शक्ल पर वो दिक्कत आएगा. और मैं फेक इंसान नहीं हूं कि मैं जानबूझ के जाके फेक हग करूं, फेक स्माइल करूं कि हां चलो मैं जा रही हूं, नहीं, मैं हर्ट थी, मुझे बुरा लगा, मैंने दोस्त माना था तुमको और तुमने ये किया, तो मैं हर्ट थी. और मैंने ये भी स्टेटमेंट पास किया, जैसे कि आपने बोला कि तुम्हारा तो पूरा हो गया ना जो मकसद था, क्योंकि तभी तो वो डिस्ट्रैक्ट इस तरीके से कर रही थी, क्योंकि उसको पता था ये नॉमिनेशन नहीं, सीधा घर से बेघर होने वाला टास्क था. तो वह मुझे तकलीफ हुई कि दोस्त बन के तुमने मेरे साथ ये किया, तो अब तुम मेरे पास आ रही हो बाय बोलने के लिए, जब कोशिश तो तुमने पूरी की वो भी ऐसे कमेंट्स पास करके, तो मेरा दिल टूटा था. और मैं फेक नहीं हूँ, मुझे मेरे जो दिल में वो मेरी शक्ल पे दिख जाता है. दिस इज हाउ सना सुल्तान इज. कहीं ना कहीं आपको नहीं लगता कि कहीं ना कहीं आप बाहर आई हैं तो अदनान की वजह से, क्योंकि आपका जो पार्टनर थे लास्ट गेम में, अगर वो सही टुक्का लगाए होते आप दोनों, तो अब तक आप गेम में बनी हुई होती. अगर दूसरे कोई अनदर घर के पार्टनर आपके रहते तो आपको क्या लगता है? नहीं, मैं इस बात पे इत्तेफाक नहीं रखती, बिकॉज मुझे लगता है वो मुकद्दर का खेल है, वो जो होना था वो हुआ, हमने कोशिश पूरी की. हाँ, मैंने अदनान को बोला ज़रूर था कि इतना टाइम हो गया है और 16 मिनट हो गए थे हमारे, मैंने बोला ज़रूर था, थोड़ा सा उसकी तरफ से मिसकैलकुलेशन हुआ होगा, बट हैविंग सेड दैट इट्स ओके, इट्स पार्ट ऑफ इट. और मैं, मुझे कोई इस चीज़ का गिला नहीं है कि मैं 1 महीना 4 दिन रह के आई हूँ, मेरे लिए वो भी बहुत बड़ी बात है. एक कॉन्ट्रोवर्शियल शो में बिना कोई कॉन्ट्रोवर्सी के बाहर मैं क्लीन आई हूँ, ये मेरे लिए भी अच्छी बात है, मेरे जो वालिदैन हैं उनके लिए भी अच्छी बात है, दे आर प्राउड ऑफ मी, तो मुझे और क्या चाहिए. माई फ्रेंड्स आर प्राउड ऑफ मी, पीपल आर लाइकिंग मी, दैट्स मोर देन इनफ फॉर मी. आपने कृतिका के साथ और चंद्रिका के साथ बात कर रही थी और आपने ये कहा था कि आप उसे जानती जरूर हो, हाँ. लेकिन आप ये चीज से नहीं वाकिफ थी कि वो ये ऐसा भी कर सकता है. yes. तो क्या आपको नहीं लगा कि ये आपका दोस्त है, आप उसको अगर इतने साल से जानती हो तो एक बार स्टैंड ले लेना चाहिए था थप्पड़ मारने वाले? मैम, मैंने एग्जैक्टली ये चीज़ किया, इसको स्टैंड लेना ही बोलते हैं. जब उन्होंने ये चीज़ मुझे बोली, मैंने उनको बोला यार मैं विशाल को ये एग्जैक्टली मेरा जुमला था, बेशक एपिसोड जाके देख लीजिएगा, क्योंकि जब इंसान सच बोलता है तो उसको याद रखने की जरूरत नहीं कि उसने क्या बोला था. मैंने एग्जैक्टली ये बोला था कि यार मैं विशाल को 5 साल से जानती हूँ, हमको एक ही एजेंसी मैनेज करती है, मैंने ज़िंदगी में कभी नहीं देखा कि इसने किसी के ऊपर ना ऐसे कॉमेंट पास किया. मैं खुद भी शौक थी, लेकिन मुझे नहीं लगता ये ऐसा है, लेकिन मेरा मुँह ये बोल के चुप कराया गया, जो ठीक भी था. उन्होंने ये बोला कि यार जब लव वो वाकई में खुद मौजूद था, उसका फ्रेंड जिसके साथ वो 24 घंटे उठता बैठता है, जब वो खुद ये चीज़ का एतराफ़ कर रहा है, ये चीज़ कन्फेस कर रहा है कि हाँ कि विशाल ने इसको गलत वे में बोला, तो मैं किस मुंह से बोलती मैम, जब जो वाकई में वो खुद ही मौजूद थे. लव कटारिया लव खुद बोल रहे कि लव चाहते तो बोल सकते थे कि उसने गलत वे में नहीं बोला, बट जब लव खुद कह रहे कि विशाल ने जो बोला गलत वे में, तो मैं किस मुंह से स्टैंड लूँ. तो भी मैंने बोला कि यार मैंने तो आज तक नहीं देखा उसका, ये मुझे नहीं लगता है कि ऐसा है, बट अगर वही मुझे चंद्रिका जी भी कृतिका भी, लेकिन लव बोल रहा है, लव बोल रहा है, मैंने कहा लव बोल रहा है, लव बोल रहा है, तो फिर अब पता नहीं क्या हुआ होगा. अभी आपका क्या थॉट है विशाल को लेकर, क्या आपको क्लियर हुआ है कि उसने ऐसी कुछ कमेंट नहीं किया था? तो जब पायल जी आई थी तब यही सिचुएशन थी कि लव ने एतराफ़ किया था कि ये हुआ, फिर जब विशाल के पेरेंट्स आए तो उन्होंने आके ये बोला कि उसने इस तरीके से नहीं बोला, और तब विशाल में भी थोड़ा एतमाद और मुझ में भी आया कि शायद फिर इसको गलत तरीके से दर्शाया गया. सो हैविंग सेड दैट, विशाल के लिए रिस्पेक्ट है, मे भी उसको गलत वे में लिया गया होगा, मैं भी इस चीज़ पे बिलीव करना चाहूँगी. आई वुड वॉन्ट टू बिलीव दैट. लास्ट तरीके से रणवीर जी कमेंट पास कर रहे हैं सनम
बोल पे कि बहुत सेल्फिश है, बहुत चुड़ैल है, गंदी है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, वो काफी ज्यादा वीडियो में वायरल हो रहा है बुक पे जी। तो आपके अकॉर्डिंग मैं जानना चाहूँगी सना सुल्तान कैसी है, उनके मतलब सच में वो सेल्फिश है? सना मकबूल देखो, सना मकबूल की एक बहुत आला तरीन बात है जिसको मैं जेन्युइनली दिल से सल्यूट करती हूँ। वो कहती है कि मैं सेल्फिश हूँ, मैं ट्रॉफी जीतने आई हूँ, मैं दोस्त बनाने नहीं आई हूँ। ये उनका स्टेटमेंट है। जब वो खुद लड़की एक्सेप्ट कर रही है कि वो ऐसी है तो वो है, पर रणवीर जी को हक नहीं बनता कि वो किसी के बारे में घटिया तरीन चीज़ें बोले और कुछ ऐसे डेरोगेटरी कमेंट पास करे, उसके लिए इख्तलाफ है। सना मकबूल ही नहीं, किसी लड़की या किसी लड़के के ऊपर भी आपको हक नहीं बनता कि आप किसी की निजी ज़िंदगी पर इस तरीके का कॉमेंट करें, क्योंकि आप एक पब्लिक फिगर हो, आप एक पब्लिक प्लेटफॉर्म पर हो जहाँ पर करोड़ों लोग देखते हैं, लोग आपको एज ए इंस्पिरेशन देखते हैं। तो आप अगर ये करोगे तो ये गलत भी हो सकता है। सो इस चीज पर मैं सपोर्ट नहीं करती रणवीर जी को। आपको क्या लगता है कि जो अरमान मलिक जिस तरीके का बिहेव कर रहे घर में विशाल के साथ, पहले थप्पड़ वाला सीन हुआ, फिर आपके अगेंस्ट बोलना जी, बॉडी शेमिंग करना, फिर बाद में उनका अदनान के साथ भी झड़प हो गई थी, कहीं ना कहीं फाइटिंग तक जा रही थी बात, तो आपको ऐसा लगता है कि वो जानबूझकर ये सब कर रहे, फिर भी वो नॉमिनेट नहीं होंगे? मैं यही बोलना चाहूँगी अरमान मलिक के हवाले से कि वो हिपोक्रेट इंसान है और उन्होंने बास दफ़े ये प्रूफ किया है, दूसरों के हवाले से तो किया ही किया। मेरा तो पर्सनल एक्सपीरियंस है, साई केतन को मेरे अगेंस्ट मुसलसल भड़काते गए और उस वजह से साई के बिहेवियर में तब्दीली मुझे दिखी। उसके अलावा उन्होंने मुझे बॉडी शेम किया, जैसे कि विशाल के ऊपर उन्होंने किया। तो ये सारी चीज़ें इस बात का प्रूफ है कि वो अपने आप को इतना कॉन्फिडेंटली ओवर कॉन्फिडेंट है कि वो बाहर नहीं निकलेंगे। वो उनके बिहेवियर में दिख के भी आता है, बट पता है क्या, असली जर्नी बिग बॉस में नहीं, असली जर्नी बिग बॉस से बाहर आके चालू होगी कि आप वहाँ क्या छाप छोड़ कर आए हो। तब आप भी हो, मैं भी हूँ, हम देखेंगे कि वो क्या छाप छोड़ कर आए और ऑडियंस उनको किस तरीके से देखती है।